मैं हूँ निशा और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ऐसे इंसान के बारे में जिसके बारे में आप नहीं जानते होंगे। कहने को तो अगर कोई भी किसी भी परिवार में पैदा होता है, या तो वह ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, अगर कोई सच्चे मन से अपने ही नहीं बल्कि समाज के लिए कुछ करना चाहता है तो एक ना एक दिन वो जरूर सफल होता है। ऐसे ही शख्स के बारे में आज मैं बताने जा रही हूँ, वह है बेजवाड़ा विल्सन। जी हाँ, बेजवाड़ा विल्सन का जन्म कर्नाटक के एक छोटे से महार परिवार में हुआ था, जो कोलार गोल्ड फील्ड्स में सर पर मैला उठाने का काम करते थे। बेजवान विल्सन यह बचपन से ही देखते आ रहे थे उनके पिताजी व उनके भाई जीवन यापन के लिए सर पर मैला उठाने का काम करते थे। घर की स्थिति दयनीय थी। विषम परिस्थितियों के बावजूद भी बेजवान विल्सन ने हार नहीं मानी। उच्च शिक्षा हासिल करने वाले वह परिवार के पहले सदस्य थे। उन्होंने लोगों को जागरूक करने के लिए रैलियां व सभाएं की। इस आंदोलन में 6000 स्वयंसेवी जुड़े हैं जो मल उठाने वाले लोगों की समस्याओं पर मंथन करते हैं। ये आंदोलन न सिर्फ लोगों को इस असामान्य कार्य से बाहर निकालता है परंतु उनकी पुनर्वास में भी मदद करता है। ये आंदोलन वर्तमान में 25 राज्यों में सक्रिय है। इस आंदोलन के फलस्वरूप मल उठाने वालों की संख्या 15 लाख से घटकर 2 लाख रह गई। उनको मानव सम्मान के क्षेत्र में अमूल्य योगदान के लिए 2016 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।